हेलो कहाँ बाटू के बोल रहा है? हम पिडोरिया थौरा पिडोरिया जा रहा थू। हाँ हाँ तो का माधव चौथ चमैनी घाट भौसड़ी के हमारे मेरा रुक बोलो माधव चौथ बाईपास पे मातारी चौथ देव माधव चौथ आप भौसड़ी के मातारी चौथ देव हमारा भौसड़ी वाले खेला ठाला माधव चौथ हमका ना जनको सुनो तो भैया चमैनी घाट भौसड़ी के माधव चौथ तो का खत्म कर दे के जाना तू भौसड़ी के प्रधान घर प्रधान के जाना तू माधव चौथ बात सुन लो पहले माधव चौथ भौसड़ी तू कैसे बोलो का बोले बताओ आप हमारे औरत के कुछ बोलो तो पहले सुन तो ले हुआ साथ एक मिनट माधव चौथ तो का उठवा ले बाल राशि में अगर उठवाए ठकुरे का औलाद ना वही और माधव चौथ थौरा कहो तुम कैसे बोल दो तुरी माता चौथ आज ठकुराई से गोड़ धरू माधव चौथ नहीं तो हम माता चौथ दे अच्छा हम उनके गोड़ धरे कहाँ है गोड़वा धरे माधव चौथ चमैनी घाट थौरा कहो हम कर जंतु सुनो सुनो भैया कहाँ बाटो तो तू कहाँ बाटो हम मार्केट आए भैया माधव चौथ ये दुकान खड़ा है ना तो माता चौथ दे ठीक है आप आइए बाजार हम आ रहे हैं दुकान पे आओ माधव चौथ दुकान पे आओ भोसड़ी के सुनो पहले मेरी बात सुन लो भैया एक मिनट बात सुनना चाहिए ना क्या बात हुई है पहले बात सुन लो भैया सुनो हम गए थे एक दिन सामान लाने दुकान पे ठीक है तो 70 रुपए दीदी को दिए थे 5 रुपए या 10 रुपए का वो हो गया था हम अभी गए थे देने तो उन्होंने कहा हमको दीदी हिसाब देख लो क्या कितना देना है कहीं शायद 12 रुपए हो रहे हैं हमको ठीक है दीदी हमको 70 रुपए उस दिन दिए कहीं हमको याद नहीं है हमको चलो कोई बात नहीं 3 लोग थे हम अकेले नहीं थे हमको चलो ठीक है दीदी देना है पैसा हमको तो बल्कि क्या बोली कहेगी तुम कुछ बोले उल्टा सीधा ना तू नहीं भैया पहले बात सुनिए तुम आओ पहले पहले मेरे पास आओ दुकान पे हम खड़े हैं यही दुकान पे आओ कितनी देर में आओ पहले पूरी बात सुन लो कहीं तुम जैसी हो मुझे पता है सरैया वाले सब बताते हैं हमसे ठीक है कहीं भाग भाग यहाँ दुकान से भाग सब लोग को बुरा लगा ये चीज क्यों बोली भाई हम तुम्हें पैसा देने आए चप्पल से मारने के लिए बोली थी तुम तो वो हमको रंडी वंडी बनाएंगी मैं चमाइन हूँ तो अपने चमैनी झाक घोसड़ी के तू खाऊगा कहो माधव चौथ हमका ना जल तू पियो दिया कहीं तू कहा दिया घोसड़ी हमका खाऊगा पीड़ो माधव चौथ चमैनी झाक भाई उठा ले तो अब माधव चौथ तो बताई तुरी माता चौथ है अच्छा सुनो पहले जितना आप गाली बकरो एक पुरुष का ये मतलब बनता है धमकी ना दे पैसा का मातारी कब देता है सुनो सुनो खेला उखवा लेंगे है मेरे पास गुंडा लगवाई है तुम पहले आओ मेरे पास कितनी बड़ी कलेक्टर हो रुको रुको हम आ रहे हैं आप रखिए फोन तो बताओ रखो रखो फोन हम आ रहे हैं रखो क्या नाम है आपका संगीता कहाँ रहने वाली है सरायरासा अच्छा थाना कौन सा लगता है आपका हमीरपुर अच्छा ये क्या मामला हुआ है आपके साथ जी एक जनरल स्टोर पे हम सामान लिए थे वहाँ 10 रुपए बताया था हम देने गए थे तो उनकी औरत हमसे पूछी क्या आप जात की चमारी हो हमने कहा नहीं क्यों कहें कि यहाँ से हटो थोड़ा दूर हटो चमारी हो हमको पता नहीं था तो हम कहे ठीक है फिर हमने उनको पैसा दिया आए फिर तो मतलब धमकी देने लगे हमारे पास गुंडे हैं बुलवा देंगे इतना कर देंगे 25-30 लड़के को बुलवाई थी 20-25 लोगों को हमारा पूरा घर घेर लिए थे चद्दर हमारी पीटे थे शीशे में भी मारे थे शीशा थोड़ा टूट गया उसके बाद हमारे बच्चे जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ पर भी उन लोग बहुत ज़्यादा गाली दिए और फोन पे गंदी गंदी और उसका पति इतना गंदी गंदी गाली बकने लगा पूछो नहीं बहुत गाली दिया हमको बहुत टॉर्चर करा फोन पे उन औरत भी और आदमी भी दोनों ने तो जो गाली दी है उसका कोई सबूत है आपके पास हाँ जी रिकॉर्डिंग है दो-तीन रिकॉर्डिंग है तो आज आप अमेठी कोतवाली में शिकायत लेकर आई हैं तो क्या सुनवाई हुई सुनवाई यही हुई कि जाओ तुम घर 151 का धारा लगा के हो जाएगा इनका अभी हम देख रहे हैं बाहर निकल के तो सारे सिपाही सब इकट्ठे हैं सब जमानत करवा रहे हैं वो जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है और सिपाही लोग ये कह रहे हैं पुलिस लोग कि जाओ उन लोग माफिया लोग हमसे पंगा ना लो पंगा लोग तुम्हारा आदमी ठेला लगाता है कुछ भी हो सकता है अब वो हमें बराबर धमकी दे रहे हैं तुम्हें उठा लेंगे जिंदा उठा लेंगे तुम्हारा बहुत गंदी गंदी गाली दी है बहुत मतलब गंदे तरीके से